सो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे स्पर्स हैव डन टू मैसिव साइनिंग्स, टू बिग साइनिंग्स एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक द बोथ आर। थोड़े डाउट्स हैं दोनों के बारे में, थोड़ी चर्चाएं होंगी क्या ये प्रूफ कर पाएंगे अपने को क्या नहीं कर पाएंगे, बट वी ऑल बिलीव इन बिग एंज। सो आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट टीमो वर्नर एंड ड्रैगो ड्रैगुसन। दे बोथ आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्मार्ट मूव्स डन बाय एंज पोस्टेकोग्लू, टॉटनहम हॉटस्पर, डेनियल लेवी। आप किसी को भी क्रेडिट देना चाहे, इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। एंड आई थिंक गोइंग इन टू दिस जनवरी, गोइंग इन टू दिस सिक्स मंथ रिमेनिंग ऑफ द सीजन एंड फॉर द फ्यूचर, दीज टू डील्स कैन बी गेम चेंजिंग, कैन बी टर्निंग पॉइंट। और मैं आपको ये बताऊँगा अभी कैसे। पहले तो हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पर्स हैवंट साइन अ प्लेयर इन जनवरी That has played in January। मतलब सिंपल सी बात यह है कि 2007 से स्पर्स ने ऐसा कोई भी प्लेयर साइन नहीं किया जनवरी ट्रांसफर विंडो में जो जनवरी में भी खेला हो। मतलब फरवरी से तो वो खेला है लेकिन जनवरी में वो कभी नहीं खेला है। दिस मीन्स एवरी टाइम सिंस 2007 वी हैव डन द डील्स एट डेडलाइन डे या उसके एक दो दिन पहले, और प्रोबेबली प्लेयर्स को मौका नहीं मिला जनवरी में खेलने का। बट आफ्टर 2007 इस साल इस जनवरी में इन दिनों में एंज हैज ब्रॉट द चेंज एंड जस्ट कन्विंस लेवी टू भाई मेरे को प्लेयर ला के दे तभी मैं कुछ करेगा। और ही हैज डन नॉट ओनली वन बट टू प्लेयर्स दैट आर बोथ अवेलेबल टू प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। क्योंकि हमारी इंजरी क्राइसिस को आप लीजिए, आप लीजिए सस्पेंशन को, आप लीजिए प्लेयर्स जो इंटरनेशनल ड्यूटीज पे गए हैं, सो मैनी प्लेयर्स एंड फर्स्ट टीम प्लेयर्स आर आउट। एंड ब्रिंगिंग इन दीज टू साइनिंग्स कैन बी हेल्पफुल अलॉट, कैन चेंज द अपकमिंग टू गेम्स इन दिस जनवरी एंड ऑल्सो दिस होल सीजन और इन अपकमिंग सीजन में भी। और ड्रैगुसन इज अ सेंटर बैक दैट प्लेड फॉर जेनोआ। अब काफ़ी लोग इस पर डाउट उठा रहे हैं, भाई क्या ये रियली रियली वर्थ इट है, इज इट अ डिफेंडर, इज ही द डिफेंडर वी रियली वॉन्टेड, इज ही समवन हु विल प्रूव टू बी अ नेक्स्ट बिग थिंग, अ नेक्स्ट बिग सेंटर बैक फॉर स्पर्स। तो इसका आंसर वी डोंट नो येट, बट मोस्ट लाइकली येस होगा, क्योंकि जेनोआ से जो ये बंदा आ रहा है, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन सीरिया, पहली बात। तो दूसरी बात, हाँ यूवेंटस का रिजेक्ट है, पर लास्ट टाइम हमने जब दो यूवेंटस के रिजेक्ट साइन किए थे, याद करो कौन थे वो, बेंटनकर एंड कुलुसेवस्की। सो पेराटिची का ये मूव है, पेराटिची का इसमें हाथ है, इसमें एंज का हाथ है, क्योंकि एंज पर्सनली वॉन्टेड ड्रैगो ड्रैगुसन, एंज पर्सनली कन्विंस्ड हिम टू लीव, टू रिजेक्ट बायर्न। बायन को रिजेक्ट किया है ड्रैगुसन ने, एंड ड्रैगुसन का एजेंट, ड्रैगुसन का जो एजेंट है, ही कैन नॉट बिलीव, ही कोटेड दिस स्टेटमेंट दैट ही कैन नॉट बिलीव दे रिजेक्टेड बायन टू गो टू स्पर्स। ऑफ कोर्स बायन इज अ बिग क्लब देन अस, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। एंड दूसरी बात यह कि अगर उसने रिजेक्ट किया है तो किसी की बात भी किया है, एंड दैट बात हैज बीन डन बाय नन अदर देन एंज पोस्टेकोग्लू। बंदे ने कन्विंस किया है ड्रैगुसन को कि तू हमारे यहाँ, हम तुझे ऐसी फुटबॉल खिलाएंगे कि तू देखना तू सक्सेसफुल होगा। तो उसको जो भी कन्विंस किया, प्रोजेक्ट किया, मतलब दैट हैज़ समथिंग, दैट हैज़ डिफरेंस कि स्पर्स आर नॉट द सेम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, स्पर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। उनने वो साइनिंग्स किया जो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, उनने वो करके दिखाया जहाँ हमने सोचा स्पर्स ही मूवमेंट होगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है। द ओनली थिंग हैज़ होल्ड दैट हैज़ हेल्ड अस बैक इज सिंपल इंजरीज, इंजरीज एंड सस्पेंशन, दो मैं मेजर चीज़ें बोलूँगा जिनने हमें होल्ड बैक किया सीजन। अदर देन वी अदरवाइज वी कुड हैव गॉन फॉर समथिंग बिग, मतलब हाँ वही प्रीमियर लीग वगैरह जो, मतलब फिर भी कर सकते थे, बट स्टिल एफ ए कप है हमारे पास। अगर हम सिटी को हरा देते हैं, सिटी को अगर हम हरा देते हैं, वी विल बी वन ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड फेवरेट्स, मिनिमम सेकेंड फेवरेट्स तो हम रहेंगे टूर्नामेंट जीतने के, अगर हम सिटी को हरा देते। और ये दोस टू साइनिंग्स इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। ड्रैगो ड्रैगुसन या टीमो वर्नर, दीज टू आर ब्रिलियंट मूव्स। काफ़ी लोग इनके ऊपर डाउट्स उठा रहे हैं, डाउट्स उठना भी इज रीजनेबल, डाउट्स उठना ट्रू है, सही है, बिल्कुल भी कोई गलत नहीं उठा रहा डाउट कि बंदे ने जब टीमो वर्नर आया था चेल्सी में, ना 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 ही वॉज नॉट गुड। हम बात कर ड्रैगुसन की, ही हैजंट प्रूव्ड येट दैट ही इज केपेबल इन प्लेइंग इन प्रीमियर लीग, बट हमने वेंडेवन लाया, हमने मेडिसन लाया, हमने उडोगी, विकारियो जैसे अनप्रूवन प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग लाए। मतलब मेडिसन प्रूवन था, बाकी ये तीनों अनप्रूवन थे, तीनों ने डेब्यू भी एक साथ किया, तीनों ने लगातार जब तक गेम खेले हैं ही दे हैवंट डिलीवर्ड बैड परफॉर्मेंसेस।
मुश्किल से उनकी थोड़ी गलतियों की वजह से उनके कह सकते हैं बैड परफॉर्मेंसेस, अदरवाइज दे हैव बीन मोस्ट कंसिस्टेंट इन दिस स्पर्स टीम. व्हेन दे वर इंजर्ड होने से पहले कोई गलती नहीं करी थी बंदे ने, कोई गलती नहीं करी थी, ही हैड सेव्ड अस. विकारियो टिल डेट इज सेविंग अस फ्रॉम आई डोंट नो हाउ मेनी गोल्स वी शुड हैव वी कुड हैव कंसीडर्ड इफ लॉरेंस वाज इन गोल. नो डिसरिस्पेक्ट टू लॉरेंस, उनकी एज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ. और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हो सकता है रोमेरो एंड वैन डे वैन मे रिटर्न फॉर दिस यूनाइटेड गेम एंड विल श्योरली रिटर्न फॉर द मैन सिटी गेम. एंड दिस इज सच अ पॉजिटिव न्यूज, आई कांट टेल हाउ हैप्पी आई एम, हाउ हैप्पी दिस मोमेंट इज टू बी अ स्पर्स फैन. अभी हम गाड़ी में झूलते हैं जब तक उड़ रही है, जब नीचे जाएगी तब साथ में जाना ही है. लेकिन फिलहाल के लिए दीज टू साइनिंग्स हैव ब्लोन अप माई माइंड कि स्पर्स भी ऐसी डील कर सकती है. हमने प्रूव कर दिया है ट्रांसफर में कि भाई players can choose us against those big teams, against those big names. Players हमें choose कर सकते हैं. And just got that aura, that vibe, that play style, that game, that manner, that attitude की वो बता सकता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ. He has been showing, he's showing and he will show. And Spurs will fly high from now. And Timo Werner will prove everyone wrong, क्योंकि जिस काम के लिए Timo Werner को sign किया है वो अभी लोग नहीं जानते. The basis on stats, the basis on work rate, the basis on what Timo Werner brings to the table. हमने उसे सिर्फ goal scoring, सिर्फ assisting, सिर्फ forward के लिए sign नहीं किया है. हमने उसे एक chaos लाने के लिए sign किया है. हमने उसे एक project, एक ambition दिया है कि भाई तू ये काम best करता है, तेरे ये काम की हमें बहुत ज़रूरत है. और we have signed this, same goes to Dragosin. We have signed them both on purpose. कोई अंधाधुन साइनिंग नहीं है, प्रॉपर स्काउटिंग और प्रॉपर नेटवर्किंग, प्रॉपर एंज की आंखों से देख के कन्विंस्ड है एंज की यही मेरे को दो प्लेयर हैं जो आगे सीजन में मदद करेंगे. होपफुली आई थिंक इफ वी हैव ब्रॉट दीज टू साइनिंग सो अर्ली, आई थिंक देयर इज अ चांस वी कैन ब्रिंग समवन ऑन डेडलाइन डे ऑल्सो. बट आई एम वेरी हैप्पी विद दीज टू साइनिंग. अगर यही दो रहती है आई विल बी स्टिल वेरी हैप्पी. बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट सब आता रहेगा. और तब तक के लिए कम ऑन यू स्पर्स.